उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ बदमाश प्रेमी जोड़े को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। तीन लड़के युवक को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एक लड़का डंडे से पिटाई करता है। लड़की चिल्लाते हुए जब लड़के को बचाने के लिए आगे आई तो उस पर भी वार किया गया। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक कर घायल कर दिया। पीड़ित पत्नी के परिवार का आरोप है कि पति लगातार दहेज के लिए परेशान करता था और मांग पूरी नहीं होने की वजह से उसने तेजाब फेंका। यूपी के बागपत में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या की कोशिश की। आरोपी प्रवीण को अपनी पत्नी पर किसी युवक से अवैध संबंध का शक है, जिसकी वजह से वो पत्नी से तलाक चाहता है। कोर्ट में कल तलाक पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पति कोर्ट परिसर में तमंचा लेकर पहुंचा और पत्नी पर गोली चला दी। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव होने के बावजूद बरेली में 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा जब कोचिंग से अपने घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार दो मंचलों ने छात्रा के आगे अपनी बाइक रोक दी और छेड़खानी करने लगे। लड़की के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोगों ने दोनों मंचलों की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी की बोर्ड परीक्षा में नकल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मथुरा से सामूहिक नकल की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। भोलाराम इंटर कॉलेज की दीवारों पर चढ़कर बच्चों को नकल के पर्चे पहुंचाए गए। अंदर बैठे बच्चे एक साथ मिलकर पेपर लिख रहे थे। कोलकाता में रेलवे ट्रैक के पास एक स्टूडेंट का शव मिला है। स्टूडेंट की पहचान सना श्रीराज के रूप में हुई है, जो आईटी खड़गपुर में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। पुलिस के मुताबिक फिलहाल ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। पंजाब के अमृतसर में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली लगने की घटना सामने आई है। साथी पुलिसकर्मी के मुताबिक कल सुबह बलविंदर सिंह राउंड पर थे, उसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी। बलविंदर को गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख, उनके भाई और पिता पर जालसाजी कर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। दो वकीलों समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि ये लोग लोन दिलाने के बहाने लोगों की जमीन हड़प लेते थे। पटना में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए डीआईजी विकास वैभव के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जब सुरक्षाकर्मी सो रहे थे, तभी चोर दबे पांव घर में दाखिल हुए और घर में रखे कई बैग और ब्रीफकेस अपने साथ ले गए। पुलिस को तफ्तीश में घर से कुछ ही दूरी पर खाली बैग और ब्रीफकेस मिला है। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे एक देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर, 3 कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की बोलेरो भी बरामद की है। गिरफ्तार भानीनाथ उर्फ भानीडा पर 10,000 का इनाम था, जबकि दूसरे अपराधी देवू उर्फ देवेंद्र देगावस पर अलग अलग थानों में 15 मामले दर्ज हैं।